आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बो स्ट्रीट स्टाइल वेज नूडल्स के साथ ड्राई गोभी मंचूरियन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी लिया है, तो अभी हम एक एक करके इसका फूल निकाल लेंगे। जो बड़े बड़े फूल है उसको हम कट कर लेंगे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, और जो छोटे छोटे फूल है उसको हम कट नहीं करेंगे, ऐसे ही ले लेंगे। देखिए मैंने पूरा गोभी को अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अभी हम इसको मीडियम हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। उससे ज्यादा मत कीजिए, बस 2 से 3 मिनट ही करना है। आप चाहे तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद हम गैस को ऑफ करेंगे। ध्यान में रखना है कि इसको आप मीडियम हाई फ्लेम में करें, लो फ्लेम में ना करें। मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। एक बॉल पे हम ले रहे हैं 4 टेबलस्पून मैदा एंड 3.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको। उसके बाद दे रहे हैं 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसको मिक्स करते रहे। एक साथ में ज्यादा पानी ना डालें, देन इसमें लम्स आ सकता है। टोटल 1/4 कप पानी मैंने यहाँ पे यूज किया है। देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, मिक्स कर लेंगे इसको। फिर गोभी को दे देंगे इसके अंदर। मिक्स करने के बाद देंगे 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर लास्ट में ही ऐसे देना है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इससे इसके ऊपर एक अच्छा सा कोटिंग हो जाएगा। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अभी हम फ्लेम को लो में रख के एक एक करके फूल गोभी को ऑयल में दे देंगे। गोभी को देने के बाद फ्लेम को मीडियम में करके 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। गोभी को हम पहले से बॉईल कर लिए थे, इसीलिए इसको फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम देखेंगे कि 3 से 4 मिनट बाद ये हो गया है, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे। इससे इसका जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। पैन पे 4 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। दे रहे हैं 1.5 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर। 1 मिनट मीडियम हाई फ्लेम में इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कम ऑयल में भी कर सकते हैं। मैंने रेस्टोरेंट जैसा लुक्स देने के लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा ऑयल में बना रही हूँ। उसके बाद दे रहे हैं 1 लार्ज साइज अनियन चॉप्ड, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज चॉप्ड। 2 मिनट अभी हम इसको मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद हम फ्लेम को लो में करके दे रहे हैं 1/4 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट ध्यान में रख के दीजिए क्योंकि सॉस में नमक रहता है। मिक्स करके 1 मिनट भून लेंगे इसको लो फ्लेम पे। टोमेटो सॉस में शुगर रहता है, इसीलिए हमने अलग से शुगर ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो 1/4 टीस्पून शुगर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट भून लेने के बाद दे देंगे फ्राइड गोभी। हल्के हाथों हम इसको मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये रेडी है। आप चाहे तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ऐड कर सकते हैं। अभी हम गैस को ऑफ करके इसको सर्व कर लेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन चिलीज देके गार्निश कर लेंगे। नूडल्स बॉईल करने का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, इसलिए डायरेक्ट फ्राई पे चलते हैं। पैन पे दे दिया है मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल, इसको गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम होने के बाद मैं इसके अंदर दे रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर चॉप्ड, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड, और इसको हम मीडियम हाई फ्लेम में 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम दे रहे 1 लार्ज साइज स्लाइस्ड अनियन, इसको भी हम मीडियम हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मैंने कुछ सब्जियां लिया है यहाँ पे, 5 to 6 पीसेस बीन्स, थोड़ा सा रेड बेल पेपर, थोड़ा सा येलो बेल पेपर, 1 लार्ज साइज कैप्सिकम एंड 1 मीडियम साइज गाजर। आप चाहे तो पत्ता गोभी भी यहाँ पे ले सकते हैं। डाल देंगे इसको।
उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम में इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने फ्लेम को लो में कर दिया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस एंड 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। मिला लेंगे इसको अच्छे से। मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम दे रहे हैं सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर एंड 1/2 टीस्पून शुगर। मिला लेंगे इसको अच्छे से। मिलाने के बाद हम इसके अंदर देंगे बॉइल्ड नूडल्स। इसका रेसिपी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अभी हम मिला लेंगे इसको अच्छे से। 3 मिनट्स मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अभी हम इसके अंदर देंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर। मैंने ऑलरेडी ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाला है, लेकिन लास्ट में इस क्रश्ड ब्लैक पेपर डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो मिला लेंगे इसको अच्छे से। तो हम लोगों का ये नूडल्स बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने इसको प्याज और खीरा से अच्छे से गार्निश कर लिया है, जैसे रास्ते के दुकान में करते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।